नमस्ते। क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 1 नेताजी का चश्मा, पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कस्बा और नगरपालिका, हालदार साहब और मूर्ति पर चर्चा। हालदार साहब ने जब मूर्ति देखी तो उस पर चिंतन करने लगे। उसके बाद पानवाला और हालदार साहब के बीच में बातचीत हुई और नेताजी के ओरिजिनल चश्मे के बारे में पूछा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कैप्टन वाला था वो दुबला पतला लंगड़ा मरियल सा था, लेकिन लोग बाग है ना उनकी मजाक उड़ाते हैं, जो हमारे देशभक्ति की भावना जिसमें निहित है, सब कुछ छोड़ देते हैं, घर बार अपना परिवार सब कुछ उसके लिए मजाक बन जाती है दुनिया वालों के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो कैप्टन है तो कैप्टन का मजाक उड़ाया जाता है पान वाले के द्वारा। अब देखेंगे पान वाला क्या कहता है कैप्टन के बारे में। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है। देखिए यहाँ पर पहले में भी बता चुकी हूँ कि जो पूरा जीवन अब देशभक्ति की भावना जिसमें नीयत और पूरा समर्पित कर देता है देश के लिए, उसको पागल कहा जाता है। यहाँ पर भी पान वाले की जो भावना थी उस कैप्टन के प्रति, अब वो कह रहा है कि वह लंगड़ा है, यानी उसका शरीर दुबला पतला है, मरियल सा है, तो उसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि जा सकता है सेना में। लेकिन उसकी जो भावना थी देश के प्रति, वह भावना थी किसके, श्रद्धा थी किसके प्रति, नेताजी के। तो यहाँ पर कह रहा है पान वाला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाला द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, तो कभी कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ रण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार फिर भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहेब कैप्टन मर गया। देखिए पान वाला जहाँ पर न कैप्टन की मजाक उड़ाता है, लेकिन यहाँ पर उसके प्रति कुछ श्रद्धा भी है, यानी वह जब मर गया तो वह भी भावुक हो उठा कि आज इस मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है। लेकिन आज जब देखते हैं कि इस मूर्ति पर चश्मा नहीं है तो हालदार साहेब भी अवाक रह जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये सब बातें हो जाती है पान वाला और हालदार साहब के बीच में। अब हालदार साहब सोचते हैं कि अब कोई इस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला नहीं होगा। अब ऐसा सोचते हैं
और कुछ नहीं पूछ पाए हलदर साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब यहाँ पर उन्होंने पान के पैसे दे दिए और फिर चुपचाप अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। लेकिन वह भी अंदर ही अंदर दुखी हो रहे थे कि कैप्टन मर गया। जो है ना, इस मूर्ति पर चश्मा नहीं था तो कम से कम मैंने रियल चश्मे से मूर्ति को अच्छा बनाए रखता था, लेकिन आज उस मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं है। अब हलदर साहब क्या सोचते हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थल यानी बीच का जो स्थान है सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, यानी मूर्ति तो रहेगी क्योंकि वह तो परमानेंट लगी हुई थी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उनका विचार था कि अब चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए हलदर साहब क्या कहते ड्राइवर को भी कि है ना आज अब इस जगह गाड़ी नहीं रोकनी है, और मास्टर ये चश्मा लगाना भूल गया था। लेकिन क्या होता है आगे ध्यान से सुनेंगे सभी, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे, ड्राइवर से कह दिया। अब ड्राइवर से सारी बात कह दी थी कारण कि मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि आज उस चौराहे पर किसी भी हालत में अपनी गाड़ी नहीं रोकनी है और सीधी लेनी है, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आँखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। यहाँ ने जोर से ब्रेक मारने का कारण कि हलदार साहब ने कहा कि इस चौराहे पर जहाँ पर वह मूर्ति लगी तो उस चौराहे पर गाड़ी को रोकनी ही है, इसीलिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकने न रुकते हलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। देखिए यहाँ पर भी हलदार साहब को भी नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था और वो जो लगा रहा था उसके प्रति भी जो श्रद्धा थी, यानी सबके प्रति और हमारे देश के प्रति जो श्रद्धा है वह भी निहित है। वह किसके माध्यम से पता चल रही है, हलदार साहब भी नेताजी से प्यार करते थे, वह भी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं। हलदार साहब भाऊ के इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब थैंक यू।